Hello children, in this video we will do HTML list. Basically there are three kinds of lists: order list, unordered list and definition list. But we will do nested lists also. Okay, so let us start with the order list. Order list क्या होती है? जहाँ पे लिस्ट बनाते हैं हम HTML में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, लाइक नंबर्स में या अल्फाबेट में, राइट? तो अब यहाँ पे हम HTML ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट HTML टैग, देन टाइटल. Okay, in title you will give head for heading, right? Heading you can give HTML list tutorial. Okay, then head close and then title close. Okay, next we will start the body. यहाँ पे हम body start करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे order list, right? ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट एक ऑर्डर में लिस्ट को क्रिएट करती है, नंबर्स में या लेटर्स में. ओके, इसके लिए हम ओएल टैग का यूज करते हैं. स्टार्टिंग में ओएल, ओएल स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट. ओके, और ये क्या है? कंटेनर टैग है. तो इसका स्टार्टिंग टैग भी लगेगा और एंडिंग टैग भी लगेगा, क्लोजिंग टैग भी लगेगा. ओके, ओएल, वी हैव स्टार्टेड विद द ओएल, देन लिस्ट आइटम, ओएल ऑर्डर लिस्ट, देन आपका है लिस्ट आइटम. फाइन, लिस्ट आइटम में जो भी आपको लिस्ट आइटम देने हो वो आप दे सकते हो. लाइक यहाँ पे सिंपल मैंने दे दिया फ्रूट नेम एप्पल्स, देन आपका आ गया बनानास. ओके, और यहाँ पे आपने वेल को क्लोज कर दिया, राइट? बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी, अब इसमें ओएल के साथ दो एट्रीब्यूट्स यूज करते हो आप, ठीक है? टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट. अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये लिस्ट जो आती है ओएल लिस्ट, वो किस में आती है? नंबर्स में आती है, 1, 2, 3 में आती है, राइट? तो यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं, अपनी H3 हेडिंग आप दे दो. नंबर्ड लिस्ट, ठीक है? H3, राइट? ओके, अब मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेती हूँ. नेक्स्ट, अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट आई गिव, यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट हम देंगे टाइप. बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में हमने कुछ भी नहीं दिया था टाइप एट्रीब्यूट. अगर आप देना भी चाहे तो आप टाइप इक्वल टू 1 दे सकते हो, उसमें भी नंबर लिस्ट आएगी. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना टाइप इक्वल टू 1, जैसे मैं यहाँ पे भी नीचे भी 1 करके दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आप कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं देते हो, टाइप एट्रीब्यूट नहीं देते हो बाय डिफॉल्ट, तब भी वो 1 से स्टार्ट होगा. और अगर आप देना चाहते हो तो आप टाइप एट्रीब्यूट में 1 वैल्यू दे सकते हो. फाइन, ओके, अब नेक्स्ट हम देंगे. अच्छा, फिर नंबर लिस्ट का इधर भी हम हेडिंग दे देते हैं नंबर लिस्ट, इसके नीचे भी हम दे देते हैं नंबर लिस्ट, राइट? ओके, ओके. अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अपर केस अल्फाबेट्स में, अपर केस लेटर्स में. तो उसके लिए आप दोगे टाइप एट्रीब्यूट कैपिटल ए, राइट? कैपिटल ए, और हेडिंग आप दोगे H3. ओके, H3 में आप दे दो लेटर, लेटर लिस्ट. ओके, ये कैपिटल लेटर में आ जाएगा आपका, कैपिटल लेटर में लिस्ट आ जाएगी आपकी, राइट? नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट हम चाहते हैं स्मॉल लेटर्स में आए, लोअर केस लेटर्स में आए. तो आप उसके लिए क्या लोगे? आप उसके लिए लोगे, इस ऊपर आप लिख सकते हो अपर केस,
अपर केस ओके लेटर लिस्ट ओके एंड हियर यू कैन राइट लोअर केस लेटर लिस्ट। लेटर्स ले लो या लेटर ले लो, कुछ भी आप हेडिंग ले सकते हो, लेटर्स लिस्ट ओके सॉरी एच थ्री फाइन। तो हमने क्या किया, पहले हमने बनाई अपर केस लेटर में, तो अपर केस के लिए टाइप क्या दिया है कैपिटल ए ओके। और अब लोअर केस पे बनानी है, लोअर केस लेटर के लिए आपको बनानी है तो आप टाइप क्या दोगे, आप टाइप दोगे स्मॉल ए ओके, आपको देना है टाइप स्मॉल ए फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट लिस्ट चाहिए आपको अपर केस रोमन नंबर्स में, ठीक है रोमन नंबर्स में अपर केस में, अपर केस रोमन नंबर्स वैसे लोअर केस में भी एच टी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज एच टी एम केस सेंसिटिव नहीं है ओके। अब हमें टाइप क्या चाहिए, अपर केस रोमन नंबर के लिए आप टाइप करोगे कैपिटल आई ओके, कैपिटल आई। देन नेक्स्ट वी हैव एच थ्री लोअर केस रोमन नंबर्स एच थ्री ओके। अब लोअर केस रोमन नंबर के लिए आप टाइप एट्रीब्यूट में क्या दोगे, स्मॉल आई ठीक है लोअर आई फाइन। यहाँ पे हमने कर दिया बॉडी को क्लोज और देन एचटीएमएल को क्लोज ओके। तो अभी इसको देखते हैं, अभी हमने सिर्फ इसका एक एट्रीब्यूट किया टाइप एट्रीब्यूट, ओएल लिस्ट बनाइए यहाँ पे ओएल में बनाइए। सबसे पहले आपने किया ओएल सिंपल लिया, कोई टाइप एट्रीब्यूट नहीं लिया तो बाय डिफॉल्ट ही 1 2 3 से स्टार्ट होगी ठीक है नंबर से। फिर हमने मैंने ये शो करने के लिए कि आप टाइप इक्वल टू 1 भी दे सकते हो तो भी आपकी नंबर्स में आएगी ओके। फिर आपने क्या किया अपर केस लेटर में आपको लिस्ट चाहिए तो आपने टाइप एट्रीब्यूट कैपिटल ए दिया है फाइन। देन आपको लोअर केस लेटर में लिस्ट चाहिए तो आपने टाइप एट्रीब्यूट स्मॉल ए दिया है ओके। देन हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल रोमन नंबर्स में, अपर केस रोमन नंबर्स में, तो आप टाइप एट्रीब्यूट दोगे कैपिटल आई फाइन। फिर आपको चाहिए लोअर केस में, लोअर केस रोमन नंबर्स में, तो आप दोगे स्मॉल आई ओके। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, पहले इसको सेव करेंगे लिस्ट डॉट एच टी एम एल कर देते हैं, लिस्ट डॉट एच टी एम एल सेव फाइन। ये हमारा आ गया लिस्ट डॉट एच टी एम एल, इसको हम कर देते हैं ओपन विद कोई भी ब्राउजर आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपकी नंबर लिस्ट आई 1 2 3 विजिबल 1 2 3 में आ रखा है ठीक है। सेकेंड आपने टाइप एट्रीब्यूट दिया था, इसको हम थोड़ा स्मॉल करके ले लेते हैं यहाँ पे और इसको भी ले लेते हैं जिससे पता चलता रहेगा। ये देखो ओके अब यहाँ पे देखो फर्स्ट हमने ओएल में कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट क्या है आपका नंबर्स में आ रही है लिस्ट ओके एप्पल बनाना मैंगोस राइट। सेकंड में आपने हेडिंग दिए नंबर लिस्ट और टाइप एट्रीब्यूट दिया 1, उसमें भी आपकी किस में आ रही है नंबर्स में आ रही है। यू कैन सी यहाँ पे जो आपकी ये लिस्ट है वो नंबर्स में आ रही है फाइन ओके। देन आपने एट्रीब्यूट दिया है, टाइप एट्रीब्यूट दिया है यहाँ पे ए कैपिटल ए और हेडिंग दिए अपर केस लेटर लिस्ट, तो यहाँ पे अपर केस लेटर लिस्ट और आप देख सकते हो लिस्ट आई हुई है कैपिटल्स में ए बी सी राइट ओके। देन आपने क्या दिया टाइप एट्रीब्यूट स्मॉल ए, तो आपकी लिस्ट क्या आई है लोअर केस में आई है, लोअर केस लेटर लिस्ट स्मॉल में आई है ए बी सी एप्पल बनाना एंड मैंगो फाइन।
फिर आपने दिया है अपर केस रोमन नंबर्स, टाइप एट्रीब्यूट दिया कैपिटल आई, तो आपका यहाँ पे देखो अपर केस में आया हुआ है, दिस इज योर अपर केस रोमन नंबर एप्पल्स बनानास मैंगोस, राइट। इसमें कैपिटल में आपके रोमन नंबर्स आए हुए हैं, ओके। देन आपने क्या किया है, टाइप में एट्रीब्यूट दिया है, टाइप एट्रीब्यूट में आपने वैल्यू दिया है स्मॉल आई, तो जो आपका लिस्ट आई है वो क्या है, लोअर केस रोमन नंबर्स में आई है, एप्पल बनानास मैंगो, यू कैन सी हियर, फाइन। तो ये हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट किया है ओ एल लिस्ट का टाइप। अब हम दूसरा एट्रीब्यूट करेंगे स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट का मतलब है, स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज होता है कि आपकी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो, ओके। मतलब अभी हमने क्या है, वो जो किया लेटर्स में वो ए से स्टार्ट हो रहा है, नंबर्स में वो वन से स्टार्ट हो रहा है, रोमन नंबर्स में भी वो वन से स्टार्ट हो रहा है, फाइन। लेकिन अगर आप स्टार्ट एट्रीब्यूट देते हो तो वो उस पर्टिकुलर लेटर्स या उस पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट होता है, फाइन। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें आप दे दो स्टार्ट 4, स्टार्ट एट्रीब्यूट में आपने 4 दे दिया, 4 कि कहाँ से स्टार्ट हो, नंबर 4 से स्टार्ट हो, फाइन। इसको हम देते हैं, इसके अंदर हम देते हैं स्टार्ट नंबर 10, नंबर 10 से स्टार्ट हो। आप कोट्स के साथ भी नंबर दे सकते हो और विदाउट कोट्स भी दे सकते हो, ऐसा जिसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर में कोट्स की जरूरत नहीं होती है, आप विदाउट कोट्स भी दे सकते हो। टाइप में आप दोगे कोट्स के अंदर, बट स्टार्ट में आप विदाउट कोट्स भी दे सकते हो, राइट, ठीक, ओके। इसको मैंने कर दिया स्टार्ट 10, अब इसको भी मैंने कर दिया स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया 2, 2, तो ए बी, ये बी से स्टार्ट होगा आई थिंक, है ना। और इसमें हम दे देते हैं स्टार्ट, स्टार्ट हमने कर दिया 4, आई थिंक ए बी सी डी, बी से स्टार्ट होगा ये, ओके। देन यहाँ पे भी आप कर दो स्टार्ट एट्रीब्यूट, स्टार्ट आप दे दो नंबर 4, एंड हियर ऑल्सो स्टार्ट नंबर 5, ओके। इसको हमने सेव कर दिया यहाँ पर, फाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश, रिफ्रेश कर दिया है, नाउ वी विल सी द रिजल्ट, रिजल्ट देखते हैं, फाइन। अब देखो जो सबसे पहली लिस्ट है वो आपकी नंबर 4 से स्टार्ट, एट्रीब्यूट क्या है नंबर 4, यू कैन सी हियर, तो आपका कहाँ से स्टार्ट हुई है, नंबर 4 से स्टार्ट हुई है आपकी फर्स्ट लिस्ट, नंबर 4 से, ओके। देन सेकेंड लिस्ट आपने कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट 10, ओके। अब यहाँ पे देखो आपकी ये जो लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 10 से स्टार्ट हुई है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने एट्रीब्यूट दिया था, टाइप था आपका ए और स्टार्ट क्या था 2, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ए बी, सेकेंड नंबर पे बी आता है, तो ये लिस्ट आपकी बी से स्टार्ट हुई है, फाइन। स्मॉल लेटर्स में आपने स्टार्ट दिया था 4, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्मॉल लेटर वाली डी से स्टार्ट हुई है, क्योंकि 1 2 3 4, ए बी सी डी, डी डी आता है फोर्थ नंबर पे, तो ये डी से स्टार्ट हुई है, ओके। देन आपने रोमन नंबर्स में कैपिटल में दिया था 4, तो रोमन नंबर्स में देखो ये 4 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, नंबर 4 से स्टार्ट हुई है। एंड लोअर केस रोमन नंबर में दिया था आपने 5, तो आपकी लिस्ट किससे हुई है, नंबर 5 से स्टार्ट हुई है, लोअर केस रोमन नंबर, फाइन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कर लिए, वी हैव डन बोथ द एट्रीब्यूट, दोनों एट्रीब्यूट्स कर लिए हैं, ओएल लिस्ट के, ओएल टैग के, टाइप एट्रीब्यूट एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट, ओके ओके। नाउ अब हम करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, राइट। अनऑर्डर लिस्ट करते हैं हम, यूएल, यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट, ओके। नाउ इसमें हम लेंगे लिस्ट आइटम, अगेन हम ले लेते हैं एप्पल, यहाँ पे एल आई, वैसे दिस इज नॉट केस सेंसिटिव, आप किसी भी केस में ले सकते हो, एंड यू विल,
फाइन, अभी हमने सिंपल लिया है, यूएल टैग लिया है, उसमें लिस्ट आइटम्स लिए हैं एंड यूएल को क्लोज कर दिया। फाइन, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं लेते हो तो ये किस फॉर्म में आती है, ये डिस्क फॉर्म में आती है। ठीक है, डिस्क फॉर्म में आएगी, आपके सॉलिड सर्कल फॉर्म में आएगी। फाइन, तो अभी हम इसको करेंगे कंट्रोल भी। अब मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट दे रही हूँ, अनऑर्डर लिस्ट का एक ही एट्रीब्यूट है एंड दैट इज टाइप एट्रीब्यूट। ओके, डिस्क डिस्क दे दिया। देन कंट्रोल भी आपने ये दे दिया स्क्वायर, डिस्क स्क्वायर। आप इसके जो टाइप की जो वैल्यूज है वो थ्री वैल्यूज होती है, डिस्क स्क्वायर एंड सर्कल। ओके, एंड सर्कल सर्कल। फाइन, तो आप हेडिंग दे सकते हो, यहाँ पे आप हेडिंग दे दो, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो S3 में ही हेडिंग दे देते हैं। क्या दोगे, बुलेटेड लिस्ट ले लेते हैं। ओके, हम देते हैं बुलेटेड लिस्ट। S3, ठीक है, बुलेटेड लिस्ट ले लिया। और इसके आगे आप दे दो डिस्क लिस्ट, चलो रहने दो, इतना हमें दे दिए। अब इसको देखते हैं, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट हमने कर लिया है, हमने क्या किया है, जो फर्स्ट हमारा यूएल है उसमें कोई भी टाइप एट्रीब्यूट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट डिस्क में अपियर होगा। सेकंड में आपने टाइप डिस्क दिया है, थर्ड में आपने स्क्वायर दिया है एंड देन सर्कल। जब आप सर्कल देते हो तो क्या आता है, आपके पास एम्प्टी सर्कल आता है। फाइन, इसको और अब इसको हम करेंगे रिफ्रेश। सी, ओके, इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको दूसरे ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। राइट, इसको हम ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करते हैं ओपन विथ गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में इसको ओपन करते हैं। ओके, अब देखो इसको हमने क्रोम में ओपन किया है तो ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बुलेट्स को एंड सर्कल एंड इसको भी। अब देखो फर्स्ट जो हमने यूएल दिया था इसमें कोई टाइप एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देते हो यूएल के साथ तो क्या होता है, जो आपकी लिस्ट आती है वो डिस्क फॉर्म में आती है, मीन्स सॉलिड सर्कल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो सॉलिड सर्कल में आपकी लिस्ट आई हुई है। फाइन, सेकेंड में आपने टाइप डिस्क दिया हुआ है, अगेन वो क्या आया, डिस्क फॉर्म में आया, दैट मीन्स सॉलिड सर्कल फॉर्म में आया है। देन आपने टाइप दिया है स्क्वायर, तो आपका देखो यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में जो आपकी लिस्ट आई है स्क्वायर में आई है। फाइन, देन आपने दिया है सर्कल एट्रीब्यूट, ठीक है, मतलब टाइप की जो वैल्यू दी है वो सर्कल दिया है, नॉट सर्कल एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू सर्कल दी है, तो आपकी जो लिस्ट आई है वो किस में आई है, सॉलिड सर्कल फॉर्म में। फाइन, तो यहाँ पे यूएल क्या, यूएल का एक ही एट्रीब्यूट होता है दैट इज टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट की थ्री वैल्यूज होती है, डिस्क स्क्वायर एंड सर्कल। फाइन, ओके, नाउ वी हैव डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या करते हो, आप डेफिनेशंस बनाते हो, ठीक है, तो इसकी टैग्स क्या है, सबसे पहले आप दोगे डीएल, डेफिनेशन लिस्ट। फाइन, सबसे पहले आपने दिया डीएल, उसके अंदर आप दोगे डीटी, डेफिनेशन टर्म, मतलब किस टर्म की आपको डेफिनेशन देनी है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन टर्म ले लेते हैं, इंटरनेट ले लेती हूँ, मैं खुद ही लिख देती हूँ इंटरनेट, तो ठीक है, मैंने डेफिनेशन टर्म दे दी है इंटरनेट, इंटरनेट। ओके, अब डीटी को आप क्या क्लोज कर दोगे, डीटी इज अ कंटेनर टैग, तो आपने इसको क्लोज कर दिया। फाइन, देन आपने क्या दिया, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो टर्म ऊपर लिया है उसकी डिस्क्रिप्शन, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से ले लेते हैं इंटरनेट की। फाइन, इसको हमने ले लिया,
और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपने क्या कर दिया, डीडी को क्लोज कर दिया, राइट। देन आपने किसको क्लोज कर दिया, डीएल को क्लोज कर दिया, फाइन। यहाँ पे आपने एक डेफिनेशन लिस्ट बना दी है, ओके। आप इसके अंदर एक और ले सकते हो, जैसे मैंने एक टर्म और ले ली, एक आपने टर्म और ले ली है डीटी, इसके अंदर आप एक टर्म और ले लो, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ले लिया, डीटी, आप प्रोटोकॉल की डेफिनेशन दोगे आप डीडी के अंदर, फाइन। तो हम इसमें से ले लेते हैं प्रोटोकॉल की डेफिनेशन, ओके। और आपने इसको दे दिया डेफिनेशन दे दिए, फाइन। एंड देन आप डीडी को क्लोज कर दो, ओके। तो हमने डीएल से स्टार्ट किया, उसके अंदर डीटी के अंदर एक टर्म दी और उसकी डेफिनेशन दी, अगेन हमने एक और टर्म ली डीटी के अंदर उसकी डेफिनेशन दी, और फिर हमने डीएल मतलब डेफिनेशन लिस्ट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, फाइन। आप देखेंगे इसका रिजल्ट, तो यहाँ पे देखो इंटरनेट टर्म, देन उसकी डेफिनेशन, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक दिस, एंड देन प्रोटोकॉल टर्म एंड देन उसकी डेफिनेशन, फाइन। जो आपने यहाँ पे दिया था डीएल के अंदर डीटी, पहले इंटरनेट और उसकी डेफिनेशन, देन प्रोटोकॉल एंड उसकी डेफिनेशन, सेम वे वी हैव गॉट द रिजल्ट, ठीक है। डेफिनेशन पहले टर्म आई है इंटरनेट, एंड देन उसकी डेफिनेशन, एंड देन प्रोटोकॉल, फिर उसकी डेफिनेशन, तो ये क्या है हमारी डेफिनेशन लिस्ट है, ओके। नाउ वी विल डू नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, व्हेन वन टाइप ऑफ लिस्ट इज गिवन इनसाइड और एम्बेडेड इन साइड अनदर टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड लिस्ट। मतलब जब एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के अंदर यूज किया जाता है, दूसरे लिस्ट के अंदर रखा जाता है, तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे नेस्टेड लिस्ट बनाओगे आप। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ओ एल लिया, ओ एल टाइप ले लो इसका, ओ एल का टाइप ले लिया आपने कैपिटल ए, फाइन, कैपिटल ए ले लिया है। नाउ आपका लिस्ट आइटम हो गया अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर, हमने कुछ इनपुट डिवाइस ले लिए हैं, ठीक है, इसका हमने एल आई लिया है, ठीक है। अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर, अब इसके अंदर आप यूएल में ले लो, यूएल में आपने टाइप ले लिया सर्कल, तो क्या आएगा, एम्प्टी सर्कल आएंगे, सर्कल ले लिया आपने टाइप इसका, ठीक है। और इसमें आप ले लो एल आई कीबोर्ड, एल आई स्टैंड फॉर द लिस्ट आइटम, देन आपने यूएल को क्लोज कर दिया, फाइन। अब हमने ओएल का ही एलआई लिया, क्योंकि हमने यूएल, देखो ये हमने ओएल स्टार्ट किया था एआईटी टाइप के साथ, उसका एक लिस्ट आइटम लिया, ठीक है। फिर हमने इसके बाद यूएल को स्टार्ट किया और यहाँ पे यूएल को क्लोज कर दिया है। अब जो एलआई आया है ये ऊपर वाले ओएल का लिस्ट आइटम है, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का। तो हम इसमें लिखेंगे ए क्यू आउटपुट डिवाइसेस आर, अब अगेन इसके अंदर हम यूएल स्टार्ट करते हैं, यूएल का टाइप दे देते हैं इस पर स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया हमने इसको, ठीक है। अब इसमें एल आई आप स्टार्ट करो, लिस्ट आइटम मॉनिटर एलआई, प्रिंटर
स्पीकर देन स्पीकर स्पीकर्स देन आप दे दो प्लॉटर्स प्लॉटर्स हो गया देन आपका यहाँ पे क्लोज हो गया यूएल एंड देन आप क्लोज कर दो ओएल राइट बॉडी इज ऑलरेडी क्लोज्ड फाइन नाउ हियर वी हैव गॉट अ नेस्टेड लिस्ट ये हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट आ गई है जिसकी हेडिंग में क्या है ए अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस और आप देखो यहाँ पे सर्कल देखो सबसे पहले आप देखो ओएल टाइप क्या है ए कैपिटल ए फाइन तो आपका यहाँ पे क्या है कैपिटल ए ठीक है कैपिटल ए से लिस्ट स्टार्ट हुई है जो लिस्ट आइटम आपने क्या दिया था अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर तो अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस आर आ गया है फिर उसके अंदर आपने यूएल को स्टार्ट किया और टाइप क्या दिया सर्कल ठीक है तो सर्कल के अंदर अब आपकी लिस्ट आ रही है कीबोर्ड माउस स्कैनर वेबकैम और फिर आपने यूएल को क्लोज कर दिया यूएल आपकी क्लोज हो गई अगेन आपने क्या किया एल आई दिया एल आई अब किसका पार्ट है जो ऊपर वाला ओएल स्टार्ट है उसका ही पार्ट है एल आई क्योंकि हमने ओएल को कहीं पर भी क्लोज नहीं किया है तो ये किस में आएगा बी में आएगा ठीक है फर्स्ट जो इसका एल आई आइटम आया था वो ए में आया था अब सेकेंड क्या आएगा बी में आएगा अ फ्यू आउटपुट डिवाइसेस आर फिर हमने इसके अंदर क्या दिया अगेन यूएल दिया है और टाइप क्या दिया स्क्वायर तो आप देखो ये स्क्वायर में आई हुई आपकी मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर प्लॉटर्स ओके यहाँ पे आपने यूएल को क्लोज कर दिया एंड देन फाइनली आपने ओएल को क्लोज कर दिया तो ये हमारी क्या है नेस्टेड लिस्ट जिसके अंदर देखो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को दिया हुआ है फाइन तो दिस इज वेरी सिंपल आप इजिली जहाँ आप अपने थोड़ा सा आपको देखना है कि कहाँ पे आपको बुलेट्स यूज करने हैं कहाँ पे आपको नंबर्स यूज करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप ओएल और यूएल की स्टार्टिंग और एंडिंग करो ओके फाइन सो हियर वी हैव कवर्ड ऑल द एस्टिमेट लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट ओके